तो एक्शन प्लान आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या रास्ता बाहर रहने का रास्ता क्या है? हर चीज का जो है नेचर जो है हमेशा सिंबॉलिक चीजों पर चलता है। विश्वास सिंबॉलिक चीजों पर चलता है, तो वो विश्वास जो है ना कायम किया जाए। और ये मूर्खता है कि हम कहें कि हम रोड पे उतरेंगे। रोड पे उतरेंगे तो आपको रोज रोड पे उतरना पड़ेगा, रोज डंडे खाना पड़ेंगे, लोग रोज मरेंगे। तो मेरा मानना है बिल्कुल रोड पे नहीं उतरना है, बिल्कुल 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 ट्रस्ट वो नहीं करना है। तो जो अब तक होता रहा है वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सरकार है, ये आपके माँ बाप है, अच्छे बुरे जो भी है आपके माँ बाप है। तो हमें अपने माँ बाप से कम्युनिकेशन पैटर्न बदलना पड़ेगा। और वो कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होगा? हमें अपने माँ बाप को सो कॉल्ड जिन काले अंग्रेजों को हर 3 महीने का 6 महीने का टास्क देना होगा, राइट? कि भैया पहले जो है ना हमारा राष्ट्रगान बदल दो, वो सिंबॉलिक है। तो किसी दूसरे राजा के स्थिति में किया गया गान अब जो है ना बहुत बर्दाश्त हो गया, अब वो हमारा राष्ट्रगान नहीं हो सकता, ये सिंबॉलिक वाली बात। दूसरी बात क्या कहना है कि नोटा को आप कैंडिडेट मानिए, जो नोटा से हारेगा वो 15 साल की तपस्या करेगा, इसके बाद ही वो चुनाव में उतर सकता है। नंबर 3, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया उनको तत्काल डीनोटिफाई करके इस बात की जांच बिठाई जाए कि उन्होंने पार्टियां बनाई क्यों थी, क्या कारण था, व्हाट वाज द गेम प्लान। आप उसमें बहुत सारे गेम प्लान निकल के सामने आएंगे। नेक्स्ट बात, यदि आप पार्टी बना रहे हैं तो कम से कम इतनी तपस्या करके तो पार्टी बनाइए कि उसका एक कैंडिडेट जीत जाए। जिसका एक भी कैंडिडेट ना जीता हो, ना जीते, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को तत्काल डी नोटिफाई किया जाए और उनसे जुड़े लोग अगले 10 साल तक कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ना खड़ी कर पाए, वो इन 10 साल तक पब्लिक सेवा की तपस्या करें और कम से कम इतनी काबिलियत तो पैदा कर लें कि एक आदमी को जिता पाए। नेक्स्ट, जिन्होंने जिनकी जमानत जब्त हो गई है, इसका मतलब है उन्होंने पब्लिक तपस्या बिना किए मैदान में कूद गए हैं, ऐसे लोगों को अगले 10 साल तक किसी भी इलेक्शन में शामिल होने की वो नहीं होना चाहिए, किसी भी, और वो 10 साल की तपस्या करें। हम सबको तपस्या की बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में गलत बात नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आप बिना तपस्या के आ गए हैं, आप तपस्या कर लो फिर दोबारा आना, अपनी फिजिकल स्टेमिना करिए, वर्कआउट करिए, अपने शक्ति पैदा करिए, फिर उतरिए। सलाह जो है ना कुछ बनाया पार्टी, उतर गए। क्यों उतर गए भाई? तो सामने वाले को पॉलिटिकल पार्टी बनाए और उसे मालूम यदि एक भी नहीं जीता तो हम 15 साल के लिए 10 साल के लिए उड़ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, 15 साल के लिए उड़ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको जिम्मेवार लोग जो है ना फ्रेम में मिलेंगे। अभी तो ये दुष्ट लोग जो है ना जाति के समीकरण को हैंडल करने के लिए लोगों को खड़ा कर देते हैं। नहीं, ये दुष्टता देखो के साथ जो है ना इस यहाँ पे जो है ना वो यादवों का द कैंडिडेट्स आर बीइंग जो है ना एक अच्छी रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी जाति समीकरणों को बिगाड़ने के लिए डमी कैंडिडेट खड़ी करती है। क्या ड्रामा नाटक है? मतलब वो खड़ी करते हैं और आप जो है ना नालायक हैं। तो ये पहले चरण की ये बात की जाए। अब ये कहें कि भाई माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात क्यों मानेंगे भाई। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कानून का निर्माता जो है वो कानून का जो है अपराधी जो है ना कानून का निर्माता नहीं बन सकता है। और उसमें जो अपने दो जो है ना एक सेफ्टी वाल्व भी लगा दिए। पहला ये लगा दिया कि अपराध पंजीयन होने के बाद उसे कोर्ट में उसका चालान पेश होना चाहिए और कोर्ट के द्वारा संज्ञान ले लेना चाहिए, बस इतना ही। यदि इतना है तो वो जो है कानून के निर्माता के लिए चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बिकम द मेकर ऑफ लॉ, नंबर 1। दूसरा, यदि आपको डर लगता है कि साहब जो है ना राजनीतिक ढंग से कुछ अपराध पंजीबद्ध हो जाएंगे, तो यदि पब्लिक लाइफ में प्रोटेस्ट के कारण जो है यदि आपके खिलाफ कोई ऑफेंस दर्ज हुआ है और उसमें ये मर्डर और रेप और किडनैपिंग जैसे ऑफेंसेस नहीं है तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। और मेरा ये कहना है कि इसके बाद भी ये मर्डर रेपिस्ट ये भी बहुत अच्छे कोई लग रहे हैं
तो आप अपने पार्टी कार्यालय में उनकी सबकी फोटो लगाइए, फूल मालाएं चढ़ाइए, उनको आरती बिठाइए, उनको जो है ना अपनी पार्टी में सभी पदों पर बिठा दीजिए। वो क्योंकि आपका मामला है, दे आर नॉट अवर लॉ मेकर। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में किसको कहां बिठा रहे हैं, इट इज योर पर्सनल गेम, वी आर नॉट बदर्ड अबाउट इट। लेकिन भगवान के लिए उसे जो है आप टिकट मत दीजिए, भगवान के लिए उसे मोहब्बत करिए। और ये कानून आपको बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अपेक्षा की है, तो इस कानून को आप अभी बनाइए। मैं तो कहूंगा कि नवंबर में ही बना दीजिए, नवंबर में नहीं बन पाता है तो दिसंबर का समय है 2022 की, बिना वेट किए बनाइए। यदि ये जनवरी 2022 तक ये नहीं बन पाता है तो इनके सभी प्रोग्रामों को जो है ना बायकॉट करिए, इनको किसी प्रोग्राम में मत बुलाइए। काले जो है ना बैजेज पहनिए, काले उनको वो दिखाइए, और यदि जहां आपकी सामर्थ्य बनती है और इनको आप घुसने से रोक सकते हैं वहां इनको अपनी जगह पर घुसने से रोकिए। ये रोज अपने आप को हारते महसूस करेंगे तो हार के डर से जो है ये वो सब कर देंगे जो आप चाह रहे हैं। और फिर नेक्स्ट चरण में हम उनसे मांगेंगे कि आप जो है ना ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाइए। यदि वो निर्णय विलंब से लेती है तो उसे जिम्मेवार ठहरा जाए। यदि वो जानबूझ के तथ्यों को नजरअंदाज करके किसी दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए यदि गलत निर्णय लेती है तो जो है ना उसे जिम्मेवार ठहराया जाए। या प्रोजेक्ट के पहले पैसे लेके आपस में 30-40% की बंदर बांट कर ली जाती है तो उसे जिम्मेवार किया जाए। जो भी पैसा है, पैसा अपनी ट्रेल जरूर छोड़ता है। यदि ये आपको समझ में नहीं आता है तो मैत्री ग्रुप के अधीन एक आयोग बना दीजिए, हम जो है ना सब सबके जो ना सब निकाल लेंगे। नहीं निकाल तो अभी भी रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं? नहीं, नहीं। किनका कर दिया, क्या कर दिया, किसका कर दिया? मतलब वो ठंडे वस्त्र में टाइप कर आधा निकाला, आधा ब्लैक मेलिंग के लिए यूज करता है, आधा निकाल के आधा छोड़, तो वो आपका ही थोड़ी बहुत। तो आपको नहीं लगता है कि हमने आपको क्या करना चाहिए वो परोस दिया? और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी जो ना वो हो जहां पे आप अपनी बातें रख पाए, तो अपना वीडियो बनाइए, क्राइम फ्री भारत पे भेजिए, हम उसको अपलोड कर देंगे, नंबर वन। नंबर टू, भारत के पूरे 137 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत के पीछे खड़े हो जाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप ये देखिए इसके बाद क्राइम फ्री भारत पे जो भी पब्लिश होगा उसे सरकार वो दोनों दूरबीन लगा के देखेगी और 24 घंटे में इंप्लीमेंट करेगी। आपको ना रोना पड़ेगा, ना आपको फिर काले बैच पहनना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान तरीका है कि हम में से हर कोई ये देखें कि हमने क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब कर दिया क्या। क्राइम फ्री भारत को नहीं किया है तो आज ही करें, फिर देखें कि हमारे परिवार में सभी लोगों ने कर दिया है। दोस्तों को बाद में देखें, फिर दोस्तों को देखें, फिर उनको देखें, और कोशिश करें कि एक महीने में क्या हम इसे 100 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। यदि 100 करोड़ लोग जो है क्राइम फ्री भारत के पीछे खड़े होंगे तो क्राइम फ्री भारत यदि मुस्कुराएगा तो नरेंद्र मोदी जी की मुस्कुराहट आएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये मुद्दे उठाए हैं, इस पे हम बहस चाहते हैं, इस पे हम आपकी राय चाहते हैं, आपने बड़ा अध्ययन किया हुआ है तो आप बताइए कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें। और हमारे पास तो जो है ना सभी तपस्वी होंगे, तो जिस विधा की बात होगी उस विधा के तपस्वी, चार तपस्वी उनको दे देंगे कि भाई इनको बना लीजिए आप, ये आपको मार्गदर्शन दे देंगे। और हमारे तपस्वी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये पीछे से क्राइम फ्री भारत देखेगा, क्योंकि हमारे उसमें शुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब बदमाश हैं, हम सब बेकार हैं। यही कारण है कि हम सब लोग दुर्गति के लिए जिम्मेवार हैं, हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, हमारी स्थिति वैश्याओं से बेहतर नहीं है। हम अपना मेहमामंडन, अपना ऐशोगान जो भी कर लें, लेकिन यदि हमारा चरित्र अच्छा होता तो हम अपने देश को इतनी बुरी स्थिति में नहीं ढकेलते। हम तो इतने मूर्ख हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई, तो हम क्या हैं फिर? व्हाट आर वी? अभी तो हिस्ट्री मालूम करना शुरू हुआ है 2-3 साल से, उसके बाद हिस्ट्री मालूम ही नहीं। तो भैया जिन्होंने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की उनसे भी थोड़ा सा पूछताछ कर लो, जिन्होंने इस देश को डिवाइड किया उनसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपको डर लग रहा है तो चले जाइए, नहीं तो बताइए कि मैं तो नेशनलिस्ट हूँ। नेशनलिस्ट का चूंकि आपके फोर फादर ने कहा है तो अब तो आप रिटर्न जो है ना कंसेंट दीजिए कि मैं जो कुछ मेरे पूर्वजों ने किया सो किया, मैं पूर्णतया जो है ना भारतीय रहूंगा, मेरी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होगी, पार्टी के प्रति नहीं, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होगी। और जिनको इसको करने में दिक्कत है उनकी जहां प्रतिबद्धता है वहां चले जाएं,
हमने तो किसी का वो नहीं किया है, यदि वहां का वीसा वीसा मिलने में कोई दिक्कत है तो हम उसकी मदद कर देंगे, है नहीं? वन टाइम नहीं, फिर तो यहां चले गए तो फिर वापस थोड़ी आ जाते हैं। चलिए, तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ जो है इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।